मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर ले उर्दू न्यूज डेयरी को और हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबा दे। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वायरल इन्फेक्शन का शिकार होकर टीम से बाहर हो गए हैं और आज के मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पीसीबी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद आमिर दूसरे और तीसरे वनडे मैच के लिए दस्तियाब नहीं है क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं और उनकी जगह लीग स्पिनर यासिर शाह मैच में हिस्सा लेंगे। मोहम्मद आमिर की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में कारकर्दगी से मशरूत है, लेकिन पहला मैच बारिश के बाद मुतासर हुआ और उन्हें कारकर्दगी दिखाने का मौका ना मिला और अब वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं और दूसरा वनडे मैच नहीं खेल सकेंगे, जबकि तीसरा वनडा मैच उनकी सेहत पर डिपेंड करेगा। अगर वो ठीक रहे तो उन्हें दोबारा टीम में शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि इससे कबल कौमी टीम के लीग स्पिनर शादाब खान भी वायरस का शिकार होकर टीम से बाहर हो चुके थे और बाद ऐसा ये मालूम हुआ कि वो हेपेटाइटिस सी का शिकार है, जिसके बाद उन्होंने लंदन में माहिर डॉक्टर से चेकअप करवाया और अब तेजी से सेहतियाबी की जानिब गामजन है। तो अब देखना यह है कि मोहम्मद आमिर की सेहत के हवाले से क्या खबर आती है। तो मजीद खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ डेयरी।